बात तो बहुत हो गई, सब जानते हैं 15 लाख का क्या हुआ, कितनों से खाते खुलवाए, लाखों की संख्या में लोगों से खाते खुलवाए, 600 रुपए से खाता खोला, वो 600 के 500 रुपए तो काट लिए, और लोग इंतजार करते रहे, नोटबंदी कर ली, क्या क्या नहीं किया, और आज इन सब चीजों पर कोई जवाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, हिसाब के बाद देखिए जनता को बताइए कितने करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार दिया, और तब आप कहने लगे कि मैं तो चौकीदार हूं, इसके चौकीदार है मोदी जी, इसके चौकीदार है मोदी जी, जिन किसानों ने आत्महत्या करी उनके चौकीदार है, जो आज बेरोजगार नौजवान है उनके चौकीदार है, मैं तो पूछना चाहता हूं किसके चौकीदार है, जैसे मैं देश की चौकीदारी कर रहा हूं, आज तो देश गवाह है उनके चौकीदारी में क्या क्या हो गया इतने 5 साल में, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है अपने इस चुनाव को, हमारा प्रजातंत्र विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा भारत है, और पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर, और पूरा विश्व देख रहा है कि एक ही उम्मीदवार एक ही व्यक्ति चुनाव में उतरा है जो कहता है मैं चौकीदार हूं, क्या मजाक कर रहे हैं, ये किस तरह का आप मजाक कर रहे हैं, चौकीदार हूं कभी कहेंगे मेरे नीचे देश की देश सुरक्षित है, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और राष्ट्रवाद का पाठ आप किसे पढ़ाएंगे मोदी जी, कांग्रेस को पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ, मोदी जी मैं तो आपसे पूछता हूं कि आप तो बता दीजिए जनता को एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दीजिए जो कभी आपके पार्टी में रहा हुआ हो, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है, और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं कांग्रेस पार्टी को, ये कलाकारी की राजनीति है, ये कलाकारी की राजनीति है, और अब तो पिछले 3 दिन से मैं सोचा कमलनाथ को कैसे दबाया जाए, कमलनाथ को कैसे दबाया जाए, दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कह रही हूं मोदी जी को आप ये प्रयास तो कर रहे हैं, मेरे राजनीति जीवन में मुझे कोई दबा नहीं पाया मोदी जी, देश की जनता समझती है, देश की जनता समझती है कि आप किस लिए कर रहे हैं, देश की जनता समझती है, खास करके हमारी छिंदवाड़ा की जनता को समझती है, और जिन्होंने 40 साल मुझे जान लिया पहचान लिया, और अगर मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी है वो ये है कि छिंदवाड़ा के कोई व्यक्ति को मेरे कारण अपना सिर कभी झुकाना ना पड़ा, आप कहीं भी जा सकते हैं देश में, कहीं भी जा सकते हैं देश में, जाके कहिएगा छाती ठोक कर कहिएगा हम छिंदवाड़ा से हैं, आप अपना सिर ऊंचा करके कह सकते हैं मेरी मेरा और आपका संबंध रहा है, मैं नादा ना बोलते हुए यही कहना चाहता हूं कि आज छिंदवाड़ा की जो पहचान है, इस पहचान का श्रेय अगर जाता है किसी को तो आप जो सबसे सामने बैठे हैं उनको श्रेय जाता है, आपने मुझे ये बल और शक्ति दी, आपने मुझे इस काबिल बनाया, आपके प्यार और विश्वास से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, और आपका प्यार और विश्वास मुझे यहां तक रखेगी, मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास रखा है कांग्रेस पर, ये कलाकारी की राजनीति, गुमराह की राजनीति, ये बहकाने की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति देश की जनता समझ गई है, छिंदवाड़ा की जनता तो समझ गई थी, आपके सब उम्मीदवारों को, सब विधानसभा उम्मीदवारों को घर बिठाया था, और फिर से अब केवल छिंदवाड़ा के ही उम्मीदवार नहीं पर मध्य प्रदेश के बाकी लोकसभा उम्मीदवारों को भी जनता ने तय कर लिया है कि उनका साथ देंगे, और मोदी जी आपके भारतीय जनता पार्टी क्या नाम है, अपना जो किया इसका मैं मान भी नहीं जाता, मक्खन शाह, मैं तो किसी के बारे में बात नहीं करता, मैं तो अमित शाह का नाम जानता हूं, अब पता नहीं कोई रिश्तेदारी होगी हो नहीं सकती, तो ये तस्वीर आप सबके सामने है,
ये तस्वीर आप सबके सामने है और मुझे पूरा विश्वास सिटी इन लाइव हमेशा समाचार के साथ।